अनंतम शुक्राना। आज गुरुजी ने फिर से अमृत वेला बख्शा है। पहले भी आए थे फरवरी में, प्रिया आंटी और कोमल आंटी के यहाँ भी खूब अच्छे अच्छे सत्संग हुए, खूब सारी संगत को जोड़ा। और संगत जी, ये जो समाधि वेला हमने इसका नाम रखा है ना, कुछ लोगों को अमृत वेला से बड़ी प्रॉब्लम होती थी, अमृत वेला क्यों आंटी बोलती हैं, अमृत वेला क्यों उठाती हैं। देखिए, वैसे तो गुरुद्वारों में और जगह पे अमृत वेला 3 बजे स्टार्ट होता है, पर हमने सबकी कंफर्ट को देखते हुए 5:30 का टाइम रखा, क्योंकि पीछे ठंड भी बहुत ज्यादा थी। हमने ये 22 नवंबर को स्टार्ट किया था लाइव, और तब से डेली गुरुजी इसको निर्विघ्न संपन्न करा रहे हैं। अभी इस 22 तारीख को पूरे 9 महीने हो जाएंगे। गुरुजी ने एक दिन भी ऐसा नहीं रखा कि छुट्टी करवाई हो। हाँ, कभी बीमार होते हुए भी गुरुजी ने कहा नहीं, इसको करना ही है, हॉस्पिटल से भी घर बुलाया। और कभी कभी एक आध दिन ऐसा हुआ कि यश बेटा है हमारा एक, उससे सेवा ले ली। तो संगत जी, जो भी अमृत वेला से आप लोग जुड़ते हैं ना, बहुत 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 कृपा है गुरुजी महाराज की, कि अमृत वेला जिसको मिल गया उसको सारी दुनिया की खुशियां मिल जाएंगी। क्योंकि ये जो समय होता है ना, इस समय देखिए आप, पेड़ों पे चिड़ियां चहचहा रही होती हैं, और सारी तरफ ब्रह्मांड में ना भगवान विचरण कर रहे होते हैं, और भगवान वॉक, जैसे हम लोग वॉक करते थे, सारे देवी देवता वॉक कर रहे होते हैं, और उस समय इतना प्योर ऑरा होता है, शांति होती है, आपका फोन भी नहीं बजता, आपके घर की बेल भी नहीं बजती, आराम से आपका कनेक्शन होता है परमात्मा के साथ। तो इस समय जो लोग कहते हैं ना हमारा कनेक्शन नहीं बनता, वो इस समय बैठ के अपना कनेक्शन बना सकते हैं। जो लोग कहते हैं हम गुरुजी से कैसे बात करें, क्योंकि दिन में तो देखिए आप डिस्टर्ब रहेंगे, और आप सुबह का अगर 1 घंटा अपने परमात्मा के साथ बैठते हैं, तो ये बिल्कुल सच है कि हमारे जो गुरुजी हैं, बाकी के 23 घंटे वो हमारे संग संग अंग संग रहते हैं, वो हमें छोड़ते ही नहीं है। फिर वो हमारे आगे आगे हमारे रास्ते सारे कांटे साफ करते जाते हैं, उसमें फूल बिछाते रहते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी, अंकल और आंटी ने बहुत उद्यम किया यहाँ पर, गुरु जी गद्दी लगाई है। अंकल, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गद्दी लगा लेते हैं पर गद्दी की सेवा नहीं करते हैं। तो अगर आपने गुरु महाराज की गद्दी लगाई है, बड़े मन से लगाई है, इतना बड़ा सुंदर सा रूम बनाया है उनके लिए, सेवा आपको बहुत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, गुरु जी को चाहिए तो भाव, गुरु जी आपकी इस चीज के नहीं है, लेकिन अगर हमने गुरु महाराज को बुला लिया साक्षात, तो समय समय पर आपको चोला चेंज करना है, एवरी वीक आपको चोला चेंज करना है, सफाई रखनी है। गुरु जी को सबसे ज्यादा सफाई पसंद है। कोशिश कीजिए अपने हाथ से झाड़ू पोछा कीजिए, नहीं तो मेड से करवाइए, और अच्छे से एकदम स्वरूप को साफ करके रखिए, तिलक करिए, और हर दूसरे दिन स्वरूप साफ कीजिए। जैसे कि अभी यहाँ पे थोड़ी धूप आ रही है, सुबह ही धूप आ जाती है, तो मैं ये चाहूंगी कि जो पीछे के हैं इसमें डबल मोटे कर्टन लगाइए, ताकि गुरुजी महाराज जी को एकदम कंफर्ट सा रहे। और पंखा हमेशा चला के रखिए, गर्मी में जब आप बैठे तो कूलर एसी भी थोड़ी देर चलाएं, भोग लगाएं तो एसी चला के रखें, क्योंकि जैसे हम है ना, हम अपने लिए जब हम खाना खाते हैं हमें गर्मी लगती है, हम एसी चलाते हैं। मेरे घर में भी गुरुजी का रूम है, मैं जब भी भोग लगाती हूँ थोड़ी देर के लिए एसी जरूर चलाती हूँ, वहीं बैठती हूँ, और नहीं तो चलाते ही है, दिन में सुबह शाम हम चलाते हैं। ये जरूर रखना है, जल प्रसाद हर वक्त गुरु जी के सामने होना चाहिए, भोग, तीनों समय का भोग, जो भी आप खाएं, मैं कहती हूँ कुछ भी खाएं, चाहे बाहर से खाना क्यों ना मंगवाएं, पर आपको भोग जरूर लगाना है। बच्चे पिज्जा खाएं, मैक्रोनी खाएं, सैंडविच खाएं, खाना खाएं, कोई जरूरी नहीं कि आपको। कई बार लोग संगत जी को, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी, कई बार संगत जी ना क्या करते हैं कि गुरु जी को सिर्फ रोटी रोटी का भोग लगाते रहते हैं, रोटी बना दी, पराठा बना दिया, सब्जी बना दी, और खुद तो खा लेते हैं बाहर जाके होटल में 5 स्टार में खाना, और बच्चे मंगाते हैं पिज्जा तो खुद भी पिज्जा खाते हैं, पर गुरु जी के लिए चपाती बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, गुरु जी हमारे घर के फैमिली मेंबर हैं, जो आप खाएंगे, जैसे अपने माँ बाप को, बुजुर्गों को देते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, वही आप भोग लगाएं। ये भी नहीं होना चाहिए खुद तो हमने खा लिया बढ़िया बढ़िया पकवान, और गुरु जी की रोटी का भोग लगा के रोटी लपेट के हमने रख दी, अगले दिन वो काम वालियां खा रही हैं, क्योंकि हमारा तो पेट भरा हुआ है। तो मुझे गुरु जी ने ये सिखाया कि अगर मेरा ब्रेड बटर खाने का मन है तो मैं गुरु जी को वही भोग लगाती हूँ जो उसे मैं खा सकूं। ये नहीं कि मैंने खुद ब्रेड बटर खा लिया और गुरु जी को रोटी खिला दी और फिर वो रोटी उठा के पड़ी रही, 2 दिन ऐसी रखी रही, ऐसा नहीं करना। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक का भोग लगाओ। गुरु जी को कोई प्याज लहसुन का कोई व्यायाम नहीं है, जो चीज खाओ ना
फर्स्ट प्रायोरिटी गुरु जी को, हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए वो चीज कि हमने खा कैसे ली बिना अपने परमात्मा को खिलाए। तो एक तो आपका घर ऊपर नीचे है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो आएंगी, क्योंकि ये चीजें मुझे बार 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 एक ही गुरु जी थॉट दे रहे हैं कि गुरु जी गद्दी अभी आपने लगाई है, पता नहीं किस भाव से लगाई है, पर मैं ये आपको फिर भी बोलूंगी, मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूं, आप गुरु जी गद्दी को कोशिश करिए घर के अंदर ही लगाइए। यहाँ आप कभी कभी जब सत्संग हो ना तब आप गुरु जी गद्दी लगाओ, नहीं तो आप नीचे कमरे में अपने साथ गुरु जी को रखो। क्योंकि देखिए गुरु जी हमारे घर के बड़े हैं, हम क्या ऐसे कभी करते हैं कि हम अपने माँ बाप को ऊपर अलग छोड़ देते हैं और हम नीचे रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं ना करते। हमारे गुरु जी को अच्छा लगेगा, हम बार बार दिन में उनसे बातें करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे हेलो हाय करेंगे, कहीं जाएंगे तो बाय करेंगे। अब आपको कहीं नीचे से जाना है, आप गाड़ी उठाओगे चल जाओगे, कौन एफर्ट्स करेगा ढाई मंजिल चढ़ के आएगा, पहले गुरु जी को बाय करेगा आके? तो ये मेरे मन के भाव है जो मेरे मन में कल से बार बार गुरु जी दे ही जा रहे हैं कि आपने ये अच्छा सा रूम बनाया है यहाँ पे, आप चाहे हर महीने सत्संग करो, चाहे हर हफ्ते आप सत्संग करो, कोई दिन फिक्स कर लो, संडे मंडे सत्संग करो, घर के लोग बैठो तब आप गद्दी लगा लो, ये सोफा चाहे यहाँ रखा रहने दो, या यहाँ पे नया सोफा ले लो, जो भी है इसको एक चादर से ढक के रख दीजिए। आपको गद्दी की सेवा नहीं कर सकते ना तो रोज गद्दी लगाने की जरूरत नहीं होती है, स्वरूप लगे रहने दीजिए, नीचे अपने गुरु जी की सेवा करिए प्लीज। और ये गद्दी को चादर से ढक के रखिए, जब सत्संग करें तो फिर आप इसको सजा लें, और भोग लगाना है तो नीचे ही भोग लगाएं, अपने घर के अंदर रखें, क्योंकि ये मेरे मन के भाव है। पता नहीं गुरुजी मुझे माफ करें मैं क्यों आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं देख रही हूँ ना कि मेरा भी ऐसे घर होता तो मैं नहीं आ सकती बार बार ऊपर नीचे। हो सकता है अंकल कह दें कि मैं सो जाऊंगा आगे, बच्चे सोएंगे, बच्चे खेलते, नहीं करते, आप बच्चों के ऊपर नहीं डाल सकते हो कि मैं बच्चों को बोलूंगा कि तुम ऊपर ही रहो, ऐसा नहीं होता। बच्चों का टीवी नीचे लगा हुआ है, बच्चे अपने घर में किचन नीचे है, तो गुरुजी नीचे रहने चाहिए। जैसे आपने घर में नीचे मंदिर बनाया है वैसे वहीं पर जो साईं बाबा गुरुजी हैं भोग लगाया कीजिए, क्योंकि वो आपके बुजुर्ग हैं, वो बड़े हैं, हमारे घर के पिता हैं, पिता को अपने साथ रखना है, पिता को अपने से अलग नहीं करना होता। बुरा लगे तो मुझे माफ करना, हम ऐसे करते हैं इसको यहीं रहने, हाँ इनको यहीं रहने दो, चोला ना लगाएं। अभी जैसे हम जाएंगे तो ये चोले को ना